ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ। मुझे अपने पकड़ा जाए, कहाँ जा रही हो? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अभी जी मैं इस टाइम एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। तो आज तकरीबन मेरी ज़िंदगी का काफ़ी खास दिन है, मतलब जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उमरा पर काम करने जा रहा हूँ, तो आपको भी साथ साथ लेके चलता हूँ। मेरे साथ है तैमूर है और उसकी फैमिली है, साथ में हूँ। तो इंशाल्लाह चलते हैं, आपको मैं साथ से दिखाता हूँ। तो शुरू में घर से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि लेट भी हो गए थे, फिर गाड़ी भी पार्क करनी थी। तो अभी बस हम ये चेक इन वगैरह करवा के फ्री हुए हैं, तो बस अब गेट का वेट है कि कौन सा गेट है हमारा, उसके बाद जहाज़ में बैठ कर फिर मैं आपको मिलता हूँ। अच्छा जी, हम लोग जहाज़ में बैठते हैं तो इजिप्ट एयरलाइन है हमारी। ये आप देखें, काफ़ी तकरीबन 3 सीटें मुझे मिल गई हैं क्योंकि जहाज़ ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। ये तैमूर ने पूरी एक लाइन इसने ले ली है और आए दूसरी तरफ बैठ गया। तो बस अभी तकरीबन 10-15 मिनट में जो है ना टेक ऑफ करेगा। अच्छा जी, जहाज़ चलने शुरू हो गया है। तो हमारा तकरीबन 5 घंटे की फ़्लाइट है कायरो तक, इजिप्ट तक। फिर वहाँ पर 2 घंटे का स्टे है और वहाँ से फिर 2 घंटे की मक्का की फ़्लाइट है। अच्छा, अभी आए था कि दूसरी तरफ से कह रही थी कि मेरे पास बैठना है, मज़ा आ रहा ना यार? बोलो गाइस, मज़ा आ गया? ऊंचा बोलो ना जी। आप बोल के बताओ जी, बोल के बताओ गाइस, मज़ा आ गया जूस पीने का? मील हमारी आ गई है, चिकन है, साथ मैश पोटैटो है, चीज़ केक है, साथ रशियन सैलड है और उसके साथ बंस है। तो भी बस खाते हैं, देखते हैं कि कैसी मील है। ये एयरबीओ का स्टाइल काफी खास है लेकिन ठीक है। लैंडिंग के लिए तैयार हो आए थे? अच्छा जी, अभी मैं और आयत बस लैंड होने वाले हैं, तो आयत मेरे साथ ही बैठी है, काफ़ी कुछ एक्साइटेड हो आयत। अच्छा जी, अभी हम लोग इजिप्ट पहुंच गए हैं, तो कायरो में। तो बस अभी बस में हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर, जब वहाँ पे 2 घंटे का प्ले आ रहा। मुझे अपने पकड़ा दिया, आयत कहाँ जा रही हो? ये हमारा वेटिंग एरिया है इजिप्ट में, तो ये आप देखें काफ़ी ज़्यादा है। तो बस अभी हम इंशाल्लाह इहराम पहनते हैं, फिर इहराम पहन के मैं आपको मिलता हूँ। इहराम वगैरह पहन लिए तो अभी बस हम दोबारा बस में जाके जद्दा के जहाज के लिए जा रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह आपको मैं मक्का पहुँच के फिर मैं मिलता हूँ। पान वगैरह हमने ले लिया, तो बस अभी होटल की तरफ निकलते हैं, बाय टैक्सी वाला बुलाया हुआ है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए खैर खैरियत से। तो जो होटल है ये हमारा क्लॉक टावर में है, तो ये इसकी रिसेप्शन है। सभी हम रूम में चलते हैं, थोड़ी देर फ्रेश होते हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट, तो फिर इंशाल्लाह उमरा करने चलते हैं। लेकर आए थे शबे असरा, अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया, कुर्बत का शरफ उनको बख्शा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तवाफ भी हो गया, सही भी हो गया, सफा मरवा में जो करते हैं। तो बस अभी ये हम लोग जा रहे हैं कटिंग करवाने। मैं तो ज़रा से बाल ही कटवाऊँगा, बिल्कुल वो उस तरह नहीं करवाऊँगा,
तो काफ़ी बिजी था सफ़र मरगा में, तो ऑफ़ में इतना टाइम नहीं लगा, तो बस इंशाल्लाह अभी चलते हैं कटिंग करवाते हैं। अच्छा अभी देखो कितना ज़्यादा बिजी है, और ये हमें एजेंट भी मिल गया बालों वाला, तो अभी हम लेके गए एजेंट, तो तकरीबन ये जो हमारा होटल है वो भी एक क्लॉक टावर के अंदर है, ये सामने वाली बिल्डिंग है अगर आपको नजर आ रहा है, और ये सामने हरम पाक है, तो बस इंशाल्लाह अभी कटिंग करवाते। आप ये देखें कि काम भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में इधर हो रहा है क्योंकि हज का भी सीज़न स्टार्ट है। अभी देखिए माशाल्लाह इतनी रौनक है यहाँ पे कि मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये आप देखें कि मार्केटें बनी हुई हैं, ये बाकी मैं आपको टूर इंशाल्लाह बाद में करवाऊँगा, तो बस अभी सीधा कटिंग करवाते हैं। अच्छा जी ये सब बारबर शॉप आ गई हैं, तो अभी देखें थोड़ा क्वाइट है अभी, लेकिन कुछ शॉप में नहीं है, तो हमने अभी इस वाले पे जाना है, और ये जो भाई हमें लेकर आए कमीशन में उन पर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी कटिंग वगैरह भी करवा ले, तो अब माशाल्लाह उम्रा कंप्लीट हुआ है, तो बस अभी होटल चलते हैं, होटल हमारे ऐसे में ही है क्लॉक टावर में, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा जी अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको जो डिटेल भी बाद में दूंगा, तो बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा वगैरह परफॉर्म करके रेस्ट किया था तकरीबन 1.5 घंटा, तो फिर दोपहर के टाइम तो आँखें खुली, तो अभी हम असर पढ़ने आए हैं, तो असर भर के पढ़ लिया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सही जो कहते हैं कि अब तक आगे गर्मी पड़ रही है, और जूते भी बल्कि मेरे चोरी हो गए हैं, तो बस अभी यहाँ से जूते लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बंदे बैठे होते हैं जो जूते सेल कर रहे होते हैं, औरतें बैठी हुई हैं अफ्रीकन इस तरह की, तो बस अभी इंशाल्लाह जूते लेते हैं। अभी देखिए कितना वाफर सिस्टम है इनका कि पंखे लगे हुए हैं सख्त गर्मी में भी, जो हरम पाक के अंदर जगह जहाँ पे नमाज पढ़ी है वो तो काफ़ी ठंडी थी। अच्छा ये अभी मैंने जूतियाँ ली हैं, ये यहाँ से ये अफ्रीकन से ली है, तो 5 रियाल की मिली है, तो बस अभी 4 उसको दी है, तो बस अभी चलते हैं कुछ खाते पीते हैं क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी अभी हम लोग अलबेक आए हैं, तो यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं, हल्का फुल्के लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था तो वो भी थोड़ी सी भूख लगी थी, बस अंदर से लेते हैं जो ऑर्डर करना है। अच्छा ऑर्डर हमने किया है फिश नगेट्स हैं स्पाइसी वाले, साथ उसके बाद चिकन नगेट्स हैं स्पाइसी, और चिकन बर्गर किया है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू लगी है, बस अब कलेक्शन का टाइम लगेगा तकरीबन 5 मिनट लगेगा। अच्छा जी हमने ऑर्डर किया है स्पाइसी नगेट्स मील है, साथ फिश फिलेट मील है, और साथ एक एक बर्गर ऑर्डर किया, बस खाते हैं फिर मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। अच्छा जी अभी हम ट्राई करते हैं इसका चिकन नगेट्स है स्पाइसी, कॉकटेल सॉस में डिप करते हैं, अच्छा भी इनका स्पाइसी फिश फिलेट ट्राई करते हैं। अभी इनका बर्गर ट्राई करते हैं आखिरी आइटम, बहुत ज़्यादा